हाँ जी गाइस, तो ये आज का ये है, आज दीदी के है हवन, तो हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को सूट करने का कुछ भी, क्योंकि अभी मम्मी गए हैं उनकी थोड़ी हेल्प कराने के लिए, उनका घर मतलब वैसे सेट कर लिया था, आज वो हवन है तो थोड़ा हेल्प करवाने गए हैं दीदी को। और क्या है, किशु गया है मम्मी के साथ, गुड्डा को मैं छोड़ के आई मम्मी के घर पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, तो मैं सोचा उसके बाद थोड़ा रुक जाएगी वो। और अभी किशु और मम्मी वो लोग गए हैं, अभी बज रहे हैं 11:30, शायद वो खाने के टाइम तक आ जाएं, उनके हवन है शाम के टाइम तक है, 4 बजे से है। तो मैं अभी मेरे कपड़े उपड़े गुड्डा सारे कपड़े उपड़े निकाल के रख देती हूँ, नेल पेंट नहीं लगाई मैंने बहुत दिनों से, मतलब अभी करवा चौथ भी नहीं लगी, तो आज सोचो आज नेल पेंट भी लगा लूँ, बच्चे भी नहीं है, और कपड़े निकाल के रख देती हूँ। कपड़े मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई की शादी में मैंने जो लहंगा वियर करा था लवेंडर कलर का, वही मैं गुड्डा को मैचिंग पहनाने वाली हूँ, गाउन उसका, तो हम माँ बेटी मैचिंग मैचिंग ट्यूनिंग पहने ही क्या करेंगे, बच्चे वहाँ पर क्या करने देंगे क्या नहीं करने देंगे, लेट्स सी, देखते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से, क्या करने वाले, अभी नेल पेंट लगा लूँ। और जब मैंने ये करवा चौथ मेहंदी लगाई थी, देखो ना तो उतर रही है ना ही हट रही है, मतलब ना लग रही है, अजीब सी हो रही है, अजीब सही हो रहा है। तो वैसे ये बात है, फटाफट कपड़े निकाल, तो वैसे ये मैंने निकाल दी गुड्डा के, मैंने बताया गुड्डा की हेयर पिन, गुड्डा की चूड़ियाँ, ये मम्मा की चूड़ियाँ हैं, ये गुड्डा की मम्मा की चूड़ियाँ हैं, हमारी किच्छू डॉन की ड्रेस, जो कि आपको बताइए लड़कों के ऐसी होती है, मोस्टली ये पजामा है किसी का, इसके ऊपर पहनने का किसी शर्ट पैंट जैसा भी ट्राउजर जैसा भी लगता है तो ये फिर अच्छा लगेगा। ये देख सकते हो आप लोग, हमारे सब तीनों माँ बेटों की ड्रेस हो गई है, और मैं अभी लगा लेती हूँ ये वाली नेल पेंट, मिलते हो आप लोगों से। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छा होंगे, और हम लोग एकदम बढ़िया हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने वियर करा लहंगा, मैंने दुपट्टा अभी सेट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे मेरे को सर पे लेना है, तो सर पे लेने के लिए मेरे को थोड़ा अलग स्टाइल से करना पड़ेगा, दोबारा चल जाता तो बताना आप लोग कैसी लग रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने पहना है बचना है, ये देखो एक मैंने ये पहना है नेकलेस, जो कि मेरा इसके मैचिंग का है, आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेरा नेकलेस। ये मैंने पहना है रानी हार, मैंने दो ही पहना है बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कल क्या पहने फिर। और मैंने ये इसमें एक हाथ में पहना है मैंने पूरी सोने वाली चूड़ियाँ, और एक हाथ में पहनी है ये मैंने वेलवेट वाली, और हमारी मेहंदी वाली, और मेरी थ्रेडिंग अभी तक हुई नहीं है, ये देख सकते हैं गाइस। और मैं बस रेडी हो गई हूँ, थ्रेडिंग देखते हैं कब कराते हैं, क्योंकि मेरे को करानी थी यार, क्योंकि साइड साइड में ऐसा अच्छा सा नहीं लग रहा, अब मेरे से घर से घर पर मेरे से हो नहीं पाता, तो ये बात है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मेहंदी मेरे अभी लगी नहीं है, अभी बज रहे हैं 4:30 समथिंग, मैं अभी मेहंदी वाली आ गई, क्योंकि मेहंदी वाली का आने का सुबह ही था, उसको कोई अचानक कुछ काम हो गया तो वो हो गई बहुत ज़्यादा लेट, तो मैं बस रेडी हो गई हूँ, रेडी होके मेहंदी लगवा लूँगी, उसके बाद मैं जैसे जाना होगा उस टाइम मेरे को रेडी वेडी होने का कोई झंझट नहीं रहेगा, तो मैं ऐसे ही मेहंदी लगवा लूँगी। वैसे भी यहाँ तक मुझे ज़्यादा लगवानी नहीं, मुझे खाली अंदर अंदर लगाने, अंदर पीछे, मतलब वो ज़्यादा यहाँ यहाँ तक नहीं लगाने, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ आपको। तो ये बात है गाइस, आप बस ये है मेरा रेडी आज का फुल लुक, तो आप लोग बताने, ये है मेरे भाई की शादी के टाइम मैंने बनवाया था ये मेरा लड़का, सेकेंड टाइम पहना है इसको, और ये हमारी गुड्डा रानी की है, मैंने जो दिखाई आप लोगों को, जो गुड्डा रेडी होगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बस गुड्डा का मैंने सब कुछ सबका निकाल के रख दिए हैं, कपड़े वपड़े सब कुछ, देखते हैं कब तक क्या जाना होता है। ये है हमारे लग गई है मेहंदी, ये देखो थोड़ी सी लगवाई मैंने क्योंकि ज़्यादा टाइम ही नहीं था, और ये हमारी प्रिंसेस भी हो गई है रेडी। बुड्ढा दिखाओ अपनी ड्रेस, दिखाओ चूड़ियाँ, दिखाओ अपनी चूड़ी, दिखाओ गाइस को, गाइस ये देखो गुड्डा की चूड़ियाँ, पूछो गुड्डा कैसी लग रही है, बोलो बोल तो। और यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे बुड्ढा की मेहंदी, ये कब से हम लोग वेट कर रहे थे दोनों मेहंदी का, अरे फाइनली लगे मेहंदी, मिनट वाली मेहंदी कि 10 मिनट पर उतर जाना, मैं जावा जल्दी से कपड़ा कपड़ा फेर के, मैं तो तैयार हूँ पूजा फेर से दूसरा सूट शर्ट, तो नीचे नीचे जाओ पूजा में तो ना, ठीक है जो मैं पानी देव आंदे पानी बन दियो कितनी देर से पानी भी बन पा रहा हूँ, और तो की खातरदारी करा। क्या पहन के आई आप बताओ मम्मा, क्या पहन के आई है, क्या पहन के लहंगा पहन के है ना, कितु मम्मा भूल गया। तो भाई लिफ्ट में इतना अच्छा सा शीशा लगा मेरे वीडियो बनाने के लिए, कर दी भाई तीसरे पर, लिफ्ट लिफ्ट गांधी भी जाता हूँ, थर्ड फ्लोर पर आ जाओ। अच्छा,
किसम यहाँ पे बैठ जाओ बेटा, किसी बैठ जाओ यहाँ पे, बैठना है बेटा बैठना है किसी। पुरुषोत्तम नर हरे नारायणं केशव गोविंदम गरुड़ गुण दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम आत्मानं गिरिजामति चन्द्रा प्राणा शरीरेन्द्रम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति तो कई दिन खा लगे चल रहे पानी पिलाने का। हमारी कितनी बड़ी हो गई, छोटी सी बच्चे है ना, है पूजा माई तो छोटी सी पूजा कर रहा सगे सगे थोड़ा बहुत बाल स्ट्रेट कराए याद कि मैं ज्यादा देखू वीडियो। देखो दीदी की डेकोरेशन, दीदी को घर बहुत ही ज्यादा सुंदर से लग रहे हैं ना पूजा। मैं पूजा को रोज की नई नई डिजाइन चल रहे हैं आपके ठेंगे लिया पर रोज की नई डिजाइन जय कपड़ा में नई डिजाइन आवे बम घरा में नई डिजाइन आ रहे जाल जूल लागो भाई कद कबूतर कबूतर को नियम पारो डंग बेरो बड़ा डेकोरेशन को जाल आगो बीच कमाए यूं समझ में को नहीं आ रहे हो तो तो गए। मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से घर दीदी का, टाइम मिलेगा ना मेरे को तभी। ले दीदी का साग बना दे ले पूजा ले। अब जो है यज्ञ कराना काम, यज्ञ को मालिक जो ब्रह्मा जी यानी जितने भी देवी देवताओं को आहुति दी जाती है, आहुति का मतलब है देवी देवताओं को घर में बुलाना, भोजन किया ही सामने खाओ वही है। ये आपसे जो आहुति क्या है ना वो देवी देवता का मुंह में निवालो जवान है, देवताओं को भोजन अग्नि से प्राप्त होता है, इसलिए सारे देवताओं को अग्नि के द्वारा का मालिक है ब्रह्मा जी। पापा जी को बैठा लो पापा जी। ओम वरम गजानन प्रदर्शनादि सिंह स्वरूप विनावे साधु तनाम पाच तीनों। तुम दोनों पर परेशान कर रहे हो दादू को है किसो हकीकी हो रही है मालकिन ज्यादा है ना। भाई आप सही आप
कुछ ठीक करो अपने आप को, दूर से देखो मेरे को भाई जी, इनके बीच में आ जाने की जरूरत नहीं है। तो खुल लो, हालो तो खुल लो, वो जहाँ बड़े मार लो, खुल लो, खुल लो ना सब लोग, जंगला बड़ी बड़ा खुला बस है। गणेश सही से को यानी जोड़ मात्र के देश मार पूजा तो इतना बैठी। हाँ रवन में बैठी को नहीं क्योंकि बड़े बोलो जाता धुआं धुआं आ रहे हो। पूजा बैठी थोड़ी सी देर बाद पाछे आ गई। आज जुल फेल लहरा रही हमारी पूजा की। बताओ कि स्ट्रेट करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। आज बढ़िया लग रही बाल। अब यहाँ करी मैं भी स्ट्रेट करा सू। ओ पूजा सूट बैठा लियो, सुंदर लग रहे हैं ना। इधर लियो बैठा हाँ कुत्ता रुपया हुआ प्रूव लग रहा है। भाई फाइनली हमारे कोल्ड ड्रिंक आई हमारे लिए। ले पूजा गाल पकड़ा हूँ मैं। पीनी है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीनी है बेटा। ओ है ना आरती में भी फोकस होनी हो पूजा को, बाबू को और मेरे, है ना पूजा, मेरे और बाबू को दुनिया को नहीं मान रहा पूजा। तो घर ही में मारे लेकिन पेट में क्या ही हो रही मेरे यहाँ, जल्दी से पीऊ। फोक्स पड़ रही काली आ रही है तो। मत हाथ लगाए बेटा, हाथ कौन लगाया करे यहाँ के गुड्डा। लाइट के हैंड नहीं लगाते नूनू, नो नो जिया। वो हवन हवन में थक हार के बैठे, आँख खुल रही को नहीं माँ, सो डखेड़ो हो जो मेरी बिल्कुल कौन खुल रही। हाँ सर खाना खुना खा के दस में दीदी कर नहीं कराए ना, मैं सब्जी तो बना गया अपने दीदियाँ बोले अठे खा के जाओ जाना भाई खा के जाओ। नहीं यार कभी खाए और खाए वो नहीं है बुद्धा, बस उसको खा ले भाई जना लगा सगड़ी। हाँ की को क्यों कर रही है बेटा इतनी बदमाशी। हाँ स्वामी की बदमाशी कर रही है, इसको संभालना मेरे को मुश्किल होता जा रहा है। गुड्डा क्यों करे यार इतनी बदमाशी जी। अभी निकलते हैं, मेरा खाना वाना खा लिया है और गुड्डा थक गया। गुड्डा की हालत देखो क्या हो रही है, बाल देखो गुड्डू का ऐसे कैसे हो रहे तेरी मैं। किस में जाएगी गुड्डा, फ्लाइट में, फ्लाइट में जाएगी, लिफ्ट में, लिफ्ट है बेटा ये तो, फ्लाइट थोड़ी लिफ्ट थी ना जयपुर में वो आए है ना आया।
घर पे और मैं कर रही थी ब्लॉग एडिट, तो मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग ले लेते हैं हम लोग जैसे तैसे घर पहुंचे। उसके बाद मैंने बच्चों को ब्रश कराया, थोड़ा नहलाया, मैं खुद नहाई, ऐसे मेरी थोड़ी थकान सी हो गई, तो नहाने से थोड़ा आराम सा मिलता है। तो गाइस बच्चों ने थोड़ा फ़ोन वोन देखा आज, बच्चों ने बड़ा इन्जॉय करा। वहाँ पे फ़ोन इनको देते नहीं हैं, तो आज इनके मजे हो गए। वहाँ पे फ़ोन देखा तभी ये लोग चुप रहे अच्छे से। दवाई तो पता ही आपको कितनी बदमाशी करते, लास्ट में जाते आते हैं तो हमारी हालत ही ख़राब कर दे। और मेरा रूम मैशी मैशी हो रहा है खूब अच्छा वाला। सुबह करते हैं इसकी साफ़ सफाई, फिर सुबह दीदी के घर गृह प्रवेश का भी वो है प्रोग्राम, और मेरा थ्रेडिंग का हो ही नहीं पाया यार। देखती हूँ सुबह मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैं जल्दी से गाड़ी से जाके फटाफट ये काम करके आऊँगी। तो ये बात है गाइस, मैं घर लहंगा जो ऐसे गिरा पड़ा है मेरा और गुड्डू का दोनों का, और ये हमारे कपड़े वपड़े कुछ कुछ ऐसे ऐसे रखे हैं, ये बॉक्स रखा है। दिखाइए आप लोगों को क्या पहन रही हो। और दीदी के घर का होम टूर मैं आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि दीदी का बहुत ही सुंदर सा, मतलब बहुत ही सुंदर सा घर बना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये है, तो जब दिवाली के आसपास जब फिर से घर जाएंगे उनके तो बताऊंगी अच्छे से घर में क्या क्या है, कहाँ 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 कौन सा रूम है, क्या क्या बनवाया है उन्होंने, क्या कुछ है। तो अभी का जो चल रहा है लेटेस्ट, मतलब उस पैटर्न में बना है उनका घर, तो बहुत ही सुंदर घर बना है उनका ना आप लोग। तो गाइज मैं पहले आप ही, मैंने मेहंदी नहीं दिखाई थी आप लोगों को, ये मेरी मेहंदी है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगवाई क्योंकि हमें हो रहा था बहुत ज़्यादा लेट। ये देख सकते हो, वैसे मेहंदी अच्छी लगाती है और इतनी स्पीड में लगाती है। यहाँ पे झुंझुनू में ये समरी नाम है उसका, बहुत ही प्रिटी सी मेहंदी लगाती है, बहुत ही सुंदर। ये देख सकते हो, ये देखो मेरी मेहंदी इतनी इतनी लगाई क्योंकि मैंने वो ड्रेस सारा ड्रेस पहन ली थी चूड़ियाँ वगैरह, तो मैंने इतनी इतनी लगाई क्योंकि यहाँ पे चूड़ियाँ आ जाती है फिर इतना दिखता भी नहीं यार। पता है बच्चों में इतना परेशान करते, इतनी लगा ली वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी मतलब मम्मी की मेहरबानी है, मेरी सासू माम इतनी रखती है बच्चों को, उनकी वजह से मैं मेहंदी वहंदी लगा पाते हैं। अदरवाइज पता ही आप लोगों को दो दो बच्चे में मतलब बिल्कुल मैनेज नहीं होता, पर हमारी मम्मी तो सुपर स्टार हैं तो बच्चों को आराम से रख लेती हैं। मम्मी को बच्चों को इतना अच्छे से रखना आता है, मतलब इतना एक्सपर्ट है ना मेरी सासू माँ, मतलब वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी क्या तारीफ करूँ, मतलब बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं बच्चों का अपने। तो मतलब सबकी अच्छी होती सासू माँ, पर मेरे को ऐसा लगता है मेरी सासू माँ मतलब मम्मी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब तो हमारी बुन्नी ऐसे इतनी अच्छी वाली है ना क्या बताऊँ। तो ये बात है गाइस, तो मेहंदी मम्मी की वजह से हमारी लग गई है अच्छी सी, क्योंकि मम्मी लोग बेचारे वो हम लोगों में ही लगे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी वो अपना खुद का तो ध्यान ही नहीं रख पाते ना, मम्मी की मेहंदी वहंदी लगी है ना कुछ। और मेहंदी वाली पूछ रही थी दीदी आंटी भी लगाएंगे क्या, फिर जाने का लेट हो रहा था, फिर हो ही नहीं पाया मम्मी के। तो ये बात है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, और मैं बातें करते करते इतनी बातें करने लग जाते ना आप लोगों से, मेरे को कैमरे की इतनी आदत हो गई क्या बताऊँ। और गुड्डा की ड्रेस और मेरी ड्रेस कैसी लग रही थी, हमारे दोनों के माँ बेटे की ट्विनिंग कैसी लगी आप लोग बताना। मेरे को तो बहुत ही ब्रिटिश लग रही थी, गुड्डा पहले भाई की शादी में पहनी थी उस टाइम, मतलब उसके मतलब हेयर कट कराए थे तो एकदम छोटे छोटे से कर दिए थे, अब उसके हेयर इतने प्रिटी प्रिटी लग रहे थे, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। तो बाय बाय गाइस, अब फाइनली मैं कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग, सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।